टोंक के रिवाई में गंगोत्सव को लेकर गाजे बाजे के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई। लक्ष्मीनाथ मंदिर से शुरू हुई कलश यात्रा का लोगों ने कस्बे में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया और महिलाओं ने मंगल गीत गाए। बीकानेर के खाजूवाला में पेयजल को लेकर सियासत तेज हो गई है। कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल के गृह क्षेत्र में ही पेयजल की किल्लत को लेकर भाजपा ने भी सीधा हमला बोला है। वही किसान भी पिछले 3 दिनों से नहरों में पानी नहीं छोड़ने को लेकर गुस्से में हैं। किसानों का कहना है कि राजस्थान में नहरबंदी खत्म होने के 3 दिन बाद ही नहरों में पानी नहीं छोड़ा गया है। इसे लेकर पूर्व संसदीय सचिव डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल ने कहा कि अब यदि जल्द ही पानी नहीं छोड़ा तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। तो 3 दिन बाद भी किसानों को पानी नहीं मिला। कैबिनेट मंत्री का गृह क्षेत्र है और वहीं पर पानी की समस्या देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि 3 दिन बाद भी किसानों को पानी नहीं मिला है। नहरबंदी खत्म हुए 3 दिन पूरे हो गए हैं तो भाजपा ने निशाने पर लिया है। कैबिनेट मंत्री का गृह क्षेत्र है और वहीं पर पानी की समस्या देखने को मिल रही है। 3 दिन बाद भी किसानों को पानी नहीं मिला है तो नहरबंदी खत्म हुए 3 दिन पूरे हो चुके हैं और अभी भी पानी की समस्या देखने को मिल रही है और इसी को लेकर भाजपा ने निशाने पर लिया है। कैबिनेट मंत्री का गृह क्षेत्र है और वहीं पर पानी की समस्या देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि 3 दिन बाद भी किसानों को पानी नहीं मिला है। तो कैबिनेट मंत्री के गृह क्षेत्र में ही पानी की समस्या देखने को मिल रही है। नहरबंदी खत्म हुए 3 दिन पूरे हो चुके हैं फिर भी अभी लोग पानी की समस्या से जूझते हुए नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर भाजपा ने निशाने पर लिया है। कैबिनेट मंत्री के गृह क्षेत्र में ही पानी की समस्या देखने को मिल रही है। 3 दिन बाद भी किसानों को पानी नहीं मिला है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता सुरेंद्र डेलू हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। जी सुरेंद्र, देखिए कैबिनेट मंत्री के गृह क्षेत्र में ही पानी की समस्या देखने को मिल रही है, 3 दिन बाद भी किसानों को पानी नहीं मिला है। बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरीके से 4 दिन हो चुके हैं, आज राजस्थान में पानी एंट्री हो चुका है और बात करें तो गृह दिन है कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेवाल का, जहां अभी तक भी लोग पानी को लेकर तरस रहे हैं। पेयजल पानी खत्म हो चुका है, लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। बड़ी दूर दूर से लोगों को, ग्रामीणों को पेयजल पानी बड़े महंगे दामों पर लेकर पहुंचना पड़ रहा है। जिस तरीके से बात करें तो हरी के बैराज से आज से 7-8 दिन पूर्व पानी छोड़ा गया था। राजस्थान में पानी शुक्रवार को एंट्री करता है और 4 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक अनूपगढ़ ब्रांच में पानी नहीं छोड़ा गया है। जिस तरीके से बीकानेर जिले की बात करें तो बीकानेर जिले में 3 कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद भी पानी को बाईपास कर जोधपुर जैसलमेर दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक इस क्षेत्र के पानी नहीं दिया जा रहा है। बात करें तो कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल का गृह विधानसभा खाजूवाल आता है, लेकिन अभी तक खाजूवाल पुगल दंतोर छत्रगढ़ के अंदर पानी को लेकर हालात विकट नजर आ रहे हैं। कहीं भी पानी अभी समय नजर नहीं आ रहा है, कहीं भी पानी है तो लोग गंदा पानी पीने को मजबूर है। लगातार इस पानी को लेकर जहां सूबे के सीएम स्थिति को मॉनिटरिंग भी कर रहे थे, जिस तरीके से हरी के बैराज से पानी छोड़ा गया था, तो कहीं ना कहीं पंजाब सरकार के साथ सरकार की वार्ता हो रही थी, राजस्थान सरकार इसको लेकर गंभीर थी कि पानी जल्द से जल्द छोड़ा जाए, लेकिन पानी जिस तरीके हरी के बैराज से शुरुआत में 1000 क्यूसेक छोड़ा गया और धीरे धीरे पानी की मात्रा बढ़ाकर 8200 क्यूसेक कर दी गई और वह पूरा पानी मसीताली हेड और लखू वाली हेड, बिरदवाल हेड पर पहुंच भी गया, लेकिन पानी पहुंचने के बाद में भी सिंचाई विभाग अधिकारियों की अनदेखी के चलते अभी तक अनूपगढ़ ब्रांच में पानी नहीं छोड़ा गया। जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री का गृह क्षेत्र है और अभी तक यहाँ पर लोगों में पेयजल को लेकर त्राई त्राई मची हुई है, अगर स्थिति नियंत्रण में नहीं रही तो 1-2 दिन में स्थिति नियंत्रण से बाहर भी हो सकती है। हालांकि संभागीय आयुक्त के आदेश हुए थे कि जल्द से जल्द
पेयजल पानी छोड़ा गया। बड़ी बात यह है कि पेयजल के लिए ही यह 8000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, लेकिन एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी अभी तक इन नहरों में पेयजल पानी नहीं छोड़ा गया है। रुक्मणी रियार जो गंगानगर के जिला कलेक्टर, उन्होंने संभागीय आयुक्त से वार्ता कर क्षेत्र में पेयजल छोड़ने को लेकर वार्ता भी की थी, लेकिन संभागीय आयुक्त पवन के नीरज के भी आदेश हवा हवाई हो रही है और अभी तक पेयजल पानी नहीं छोड़ा गया। लेकिन कल देर शाम की जो स्थिति बनी हुई है उसमें संभागीय आयुक्त ने एक बार फिर इन अधिकारियों को निर्देश दिया कि सबसे जल्द पेयजल पानी नहरों में छोड़ा जाए और अंतिम छोर तक पेयजल पानी पहुंचाया जाए, लेकिन अभी तक की रिपोर्ट के अनुसार अभी तक पेयजल पानी नहीं छोड़ा गया। हालांकि सिंचाई विभाग अधिकारियों का यह दावा है कि आज दिन में पानी छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से स्थिति नियंत्रण से अभी लगातार बाढ़ होती जा रही है, पेयजल को लेकर दूर दूर से ग्रामीणों को पानी लाना पड़ा जो काफी महंगा और खर्चीला भी साबित हो रहा है। दूसरी बात यह कि यहाँ पर ट्यूबवेल का साधन नहीं है, सिर्फ सिंचित इलाका है, ट्यूबवेल का खारा पानी पीने को भी लोग मजबूर है। तो यह लोगों की गुहार लगा रहे हैं कैबिनेट मंत्री से कि आपके विधानसभा क्षेत्र में पानी छोड़िए ताकि लोग गंदा पानी ना पिए। जिस तरीके से गंदा पानी लोग पीने को मजबूर है, ट्यूबवेल का खारा पीने को मजबूर है, तो उसे बीमारियों से लोग ग्रस्त हो रहे हैं। हॉस्पिटलों में मरीजों की ओपीडी की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो जिस तरीके से आज के हालात है वो विकट हालात है और निश्चित आज कैबिनेट मंत्री इस मामले को लेकर अभी गंभीर है और अधिकारियों के साथ वार्ता भी हुई है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि अभी कुछ देर बाद अरूपगढ़ ब्रांच में पानी छोड़ दिया जाएगा। जी जी, शुक्रिया सुरेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए।